हमारा फेंका खाकर कुत्ता भी बुलडॉग बन जाता है। राजकुमार के ताने से राजेश खन्ना का कलेजा हुआ था छलनी। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजेश खन्ना के बारे में। वीडियो को फुल वॉच कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से हिंदी फिल्मों के रियल खबरें अब तक पहुँचाती रहूँ। सुपरस्टार राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत थी। ये साल 1966 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना ने 180 फिल्मों और 173 पिक्चर फिल्मों में काम किया। 128 फिल्मों में उन्होंने लीड भूमिका निभाई, जबकि 22 फिल्मों में डबल रोल, अन्य फिल्मों में 17, छोटी छोटी फिल्मों में भी काम किया था। दोस्त 3 साल 1969-71 के अंदर ही 15-16 हिट देकर वो बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए थे। हालांकि इस बारे में बेहद कम लोगों को पता होगा कि जब राजेश खन्ना सुपरस्टार बनने के कगार पर थे, तब उनका 50-60 के सुपरस्टार ने काफ़ी बेइज्जती कर दी थी। उनका तुलना एक कुत्ते से कर डाली थी। दोस्तों ये बातें 70 के दशक की है, जब बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर अपने बेटे सैफ अली खान का स्वागत करने के बाद फिर से फिल्मों में कदम रखा था। उन्होंने अपनी वापसी के लिए डायरेक्टर शक्ति सामंत की सुपरहिट फिल्म अमर प्रेम को चुना था। इसको शक्ति सामंत ने निर्देशित किया था। फिल्म की कहानी को अरविंद मुखर्जी और रमेश पंत ने लिखी थी। वह फिल्म बंगाली फिल्म निशी पद्मनी की रीमेक थी। दोस्तों फिल्म में शर्मिला टैगोर ने राजेश खन्ना संग रोमांस किया था। दोनों की जोड़ी ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे। ये रोमांटिक फिल्म दर्शकों को इतना पसंद आई थी कि यह साल 1972 की 13वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। दोस्तों हालांकि बेहद कम लोगों को पता होगा कि इस फिल्म में जिस आनंद बाबू का रोल निभा कर राजेश खन्ना अमर हो गए थे, दरअसल वह किरदार पहले उनके लिए नहीं लिखी गई थी। इस रोल को 70 के दशक के सुपरस्टार राजकुमार को ऑफर की गई थी। दोस्तों हालांकि फिल्म को मेकर कम बजट में बना रहे थे और राजकुमार इस फिल्म को करने के लिए काफ़ी बड़ी रकम मांग रहे थे। ऐसे में फिल्म के मेकर्स ने उन्हें फिल्म में रिप्लेस करने के लिए विवश हो गए थे। दोस्तों IMDB की रिपोर्ट की माने तो डायरेक्टर शक्ति सामंत अमर प्रेम को राजकुमार संग करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही ये बात राजेश खन्ना को कानों तक पहुंची तो वह भागे भागे शक्ति सामंत के ऑफिस पहुंचे और कहा कि वह इस फिल्म में किसी अन्य अभिनेता को कैसे ले सकते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि शक्ति सामंत संग राजेश खन्ना पहले ही क्लासिक सुपरहिट फिल्म आराधना कर चुके थे, जो इस फिल्म के ठीक 1 साल पहले रिलीज हुई थी। इसके अलावा उनकी दूसरी सुपरहिट फिल्म कटी पतंग 1970 में रिलीज के लिए लगभग तैयार ही थी। ऐसे में शक्ति सामंत के साथ राजेश खन्ना की अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी। दोस्तों शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना से पूछा कि क्या आपके पास कोई डेट है, क्योंकि आपकी डायरी पूरी हो चुकी है। तब राजेश खन्ना ने कहा कि वह इस बात की चिंता ना करें, क्योंकि इसको अपने तरीके से मैनेज कर लेंगे। इसके बाद राजेश खन्ना अन्य फिल्मों की शूटिंग करते थे और रोजाना 4 घंटे अमर प्रेम की शूटिंग करते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने फिल्म के लिए अपनी फीस भी आधी कर दी थी। रिपोर्ट की माने तो अमर प्रेम फिल्म में राजेश खन्ना कास्ट किए जाने के बाद राजकुमार काफ़ी नाराज हो गए थे। उन्होंने पहले तो किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब फिल्म का प्रीमियर रखा गया तो शक्ति सामंत राजकुमार को बुलाया था। उस दौरान किसी को नहीं पता था कि राजकुमार प्रीमियर के दौरान राजेश खन्ना की बुरी तरीके से बेइज्जती कर डालेंगे। रिपोर्ट के अनुसार सुपरहिट फिल्म हाथ से निकल जाने के बाद राजकुमार ने सारा गुस्सा राजेश खन्ना पर निकाला। उन्होंने भरी महफिल में कहा, हमारे फेंके टुकड़े खाकर तो कुत्ता भी बुलडॉग बन जाता है। राजेश खन्ना भी हमारी छोड़ी फिल्म करके कल सुपरस्टार बन जाएगा। आपको बता दें कि राजेश खन्ना जब सुपरस्टार बनने की कगार पर थे, तब राजकुमार सुपरस्टार बनकर बॉलीवुड पर राज किया करते थे। वो हर फिल्म में उनकी तूती बोलती थी। उनके स्टारडम का आलम यह था कि वो अपनी मर्जी से फिल्में करते थे। इतना ही नहीं, वो अपनी फिल्मों के लिए खुद ही तय करते थे कि उनकी फिल्म में कौन हीरो होगा और कौन हीरोइन होंगी। ऐसे में उन्हें एक नए नबेले एक्टर के सामने फिल्म से बाहर कर देना उन्हें सहन नहीं हो रहा था। दोस्तों आपको बता दें कि राजकुमार ने 26 साल की उम्र में फिल्म रंगीली 1952 से फिल्मों में कदम रखा था। इसके बाद मदर इंडिया, पक्की जा, हम राज और हीर रंझा, तिरंगा सौदागर जैसी करीब 70 फिल्मों में काम कर सुपरस्टार बन गए थे। राजकुमार के डेब्यू के करीब 1 दशक बाद राजेश खन्ना ने फिल्मों में कदम रखा था। राजेश खन्ना से राजकुमार काफ़ी सीनियर थे। राजकुमार और राजेश खन्ना की रियल स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।